और आपको बताएं, मुंबई के पास वसई में चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी पादरी सेबेस्टियन मार्टिन पर शिकंजा कस चुका है। कल पुलिस ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र को बंद कर दिया और एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम पर छापा मारकर मार्टिन के खिलाफ कई सबूत जुटाए हैं। छापे में पुलिस को एक किताब भी मिली है जिसमें लिखा है कि आप संकट में हो, आप बीमार हो, आप जीवन में निराश हो तो आप हमारे पास आओ, सब हल होगा। वसई के एक चर्च के पादरी सेबेस्टियन मार्टिन दरअसल एक हीलिंग सेंटर चलाते हैं, इसलिए उन्हें हिलर बाबा के नाम से भी दुनिया जानती है। दिव्य शक्ति से लैस होने का दावा करने वाले मार्टिन बाबा ने अपना ये तिलिस्मी संसार कुछ इस तरह से रचा है कि एक बार जो उनके दरबार में पहुंचा वो उनके सम्मोहन का शिकार हो ही जाता है। For last one year, this sister used to cough. For last one year, this sister used to cough. She went to the doctors and spent at least 10,000. She went to the doctor and spent at least 10,000 rupees. But no medication could cure her. No medication could cure her. Finally, she came to this Ashirwad Prayer Center 3 months back, and she says that for last 1 month, she is not experiencing any cough and she is not having problem anymore. For last 1 month, she has no problem. She is totally cured in the center. हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हो शकारा, जो से चले भैया, हो शकारा रा 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 रा। मुंबई के वसई इलाके के पादरी सेबेस्टियन आशीर्वाद नाम की एक संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था में हजारों लोग रोज प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने आते हैं। दरअसल पादरी सेबेस्टियन मार्टिन दावा करते हैं कि प्रार्थना सभा में आने वाले बीमार लोग भगवान यीशु की वजह से ठीक हो जाते हैं। इनके इस हीलिंग सेंटर में तरह तरह के मर्ज के इलाज का दावा किया जाता है। दरअसल सेबेस्टियन एक ईसाई हैं और वो जो हीलिंग की प्रक्रिया करने का दावा करते हैं, ऐसी हीलिंग की प्रक्रिया कई हजारों सालों से ईसाई समाज में चलती चली आ रही है, जिसे चंगाई सभा भी कहा जाता है। सेबेस्टियन की प्रार्थना सभा में भी जो लोग आते हैं उनको प्रार्थना करने को कहा जाता है और इसी के जरिए सेबेस्टियन लोगों को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जिसको ट्रांस की अवस्था कहा जाता है। दरअसल इस अवस्था में बीमार आदमी को कुछ सुझाव दिए जाते हैं। ये सुझाव यीशु के नाम पर दिए जाते हैं या फिर सीधे तौर पर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हीलिंग की ये प्रक्रिया पादरी सेबेस्टियन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते हैं। For last 5 years, this brother was suffering from headache. Last 5 years, this brother had headache. And he is telling that he suffered lot. He suffered lot. And this is his second time. Second time he is coming in Ashirwad Prayer Center. Yeah. During prayer session, Lord Jesus touched him. The power of God came upon him. He fell down on the ground. He fell down on the ground. And when he woke up, he found that there was no headache. Join your hands and close your eyes. Ho shakara ra 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 ra. May God touch you, touch you, touch you right now, right now, right now, right now. हिप्नोसिस की प्रोसेस है। ये हिप्नोसिस के नेगेटिव हिप्नोसिस इसको कहते हैं कि सामने के व्यक्ति को डरा कर एकदम से उसको ट्रांस में डाल दो और ट्रांस में डालने के बाद में उसको सजेशन दो। यानी ये फेथ हीलिंग के नाम पर डायरेक्टली हिप्नोसिस यूज़ करता था, जबकि फेथ हीलिंग में इतना इस ढंग का हिप्नोसिस यूज़ नहीं होता है। ऑफकोर्स हिप्नोसिस कोई बहुत बुरी चीज़ है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उसका बहुत अच्छे उपयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके जो दावे हैं वो दावे बहुत ही अविश्वसनीय हैं। इस अवस्था में जाने के कारण आदमी एक हाईली सजेस्टेबल बनता है और इस कारण अगर उसको अच्छे ढंग से सजेशन दिए गए, चाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर दिए गए या फिर डायरेक्टली सजेशन दिए गए, तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार अवश्य प्राप्त हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात मानी है, जैसे कि जो साइकोसोमेटिक बीमारियाँ होती हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में कुछ सुधार प्राप्त होते हैं, यानी इसका मतलब वो बीमारियाँ ठीक होती है ऐसा नहीं है। हालेलुया। दरअसल पादरी सेबेस्टियन मार्टिन लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हालांकि हिप्नोटिज्म की ये तकनीक के कई अच्छे उपयोग भी बताए जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जाने के कारण किसी व्यक्ति को बहुत हद तक सुझाव दिए जा सकते हैं।
यही वजह है कि इस अवस्था में अगर बीमार शख्स को अच्छे सुझाव दिए जाए तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार भी देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात मानी है। दरअसल साइकोसोमेटिक और मानसिक बीमारियों में हीलिंग और हिप्नोटिज्म की इस प्रक्रिया से कुछ सुधार हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती हैं। जबकि पादरी सेबेस्टियन मार्टिन किसी भी तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देने के बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके दावे इतने अतिरिक्त हैं कि जैसा वहाँ पर एक औरत आई थी, वो औरत चल नहीं सकती थी, फिर उसने कहा और उसने जैसा ही आदेश दिया वो औरत चलना शुरू कर दिया उसने। दूसरा उसका सबसे बड़ा बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल जो दावा था वो था कि एक स्त्री उसके पास आई थी जो उस वीडियो में बताया गया है, और वो स्त्री जो आई उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। उसने डिक्लेयर किया कि इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, और फिर उसने यीशु का नाम लेकर जो कुछ सजेशन दिए उस कारण उसकी दोनों किडनियाँ बिल्कुल काम करना शुरू कर दी, ऐसा दावा उसने किया है। भारत सरकार ने अंधविश्वास पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट कानून बनाया। महाराष्ट्र में भी अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, और इसी कानून के तहत पादरी सेबेस्टियन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। ये दावा इस ढंग का करना इटसेल्फ क्राइम है। पूरे भारत सरकार का जो एक कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954, इसके अनुसार ये कानूनन गुनाह है, और इसलिए उस पर ये कॉग्निजिबल ऑफेंस होने के कारण उसके जरिए भी गुनाह दाखिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसने जो कुछ बताया है उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार में 2013 साल में जो कानून बनाया है जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं, और जिसका काम मैं अभी सरकार की ओर से देख रहा हूँ, वो कानून के जरिए सीधी तरह से इस पर गुनाह दाखिल हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है। जाहिर है अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पादरी सेबेस्टियन को अधिक से अधिक 7 साल की जेल और 5,000 रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है, लेकिन इस मामले के उठने के बाद से ही पादरी समर्थकों और ईसाई समाज के कुछ संगठनों ने उनके समर्थन में मोर्चा भी खोल दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो महाराष्ट्र में ईसाई समाज है, इस ईसाई समाज के ऊपर कुछ हमारे जो धर्मगुरु है माननीय पास्टर सेबेस्टियन मार्टिन और उनका जो आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र है उसके ऊपर बहुत सारा कुछ लोग है जो लोग क्या करें कि उनके ऊपर जबरदस्ती गुनाह दाखिल हो, उनको अटक हो जाए और क्रिश्चियन लोगों में एक दहशत पैदा हो पूरे महाराष्ट्र में, यह कोशिश कोई संगठन करने की कोशिश कर रहा है। हम यही चाहते हैं, यही हमारी